सो दोस्तों आप लोग देखिए इस तरह से लिट्टी को जो कि सिझाते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक आध जल गया भाई साहब। अब दोस्तों देखिए, दोस्तों राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। सो दोस्तों आप लोगों को ना आज हम लोग लिट्टी चोखा बना करके दिखाएंगे, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर देखिए आप लोग क्या क्या है। यहाँ पे इसे बोलते हैं हम लोग भंटा, आलू आप जानते ही हैं, आप भी भंटा इस मतलब हम लोग लोकल भाषा में इसको भंटा बोलते हैं। और प्याज और टमाटर और यहाँ पे सत्तू, हरा मिर्च, यानी कि लिट्टी और चोखा बनाने के लिए सारा सामग्री है जो कि हम लोग इकट्ठा कर लिए हैं, बस जो कि लिट्टी चोखा बनाना है। हाँ। और इधर आटा और कुछ कुछ मसाला, नमक, तेल वेल सब है जो कि लाकर रखे हुए हैं। और अभी हम लोग बनाते हैं बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। तो चलिए कैसे बनाते हैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। और अभी ना सुबह का समय हो गए हैं और अभी कम से कम 7 बज रहे हैं, 7 से ज़्यादा हो रहे होंगे। तो चलिए अभी हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है गोईठा, तो देखिए इसे हम लोग गोईठा बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं इसको, चिपड़ी बोलते हैं, चिपड़ी और क्या क्या तो बोलते हैं, हर जगह हर नाम। हाँ। तो चलिए अब इसे हम लोग किस तरह से सड़ियाते हैं और इसी पर हम लोग लिट्टी को और लिट्टी चोखा ठंडी के मौसम में ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ठंडी के मौसम में हम लोग हर साल एक बार या दो बार बनाकर खाते हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग खा ही रहे हैं तो आप लोग को भी दिखा दें कैसे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो पहले आग जलाने की आटा पहले आटा गूंथ लीजिए पहले आटा गूंथ लीजिए हाँ, ताकि बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आटा है जो कि हम ले लिए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 2-4 गो आदमी हैं, ये लोग इतना सारा आटा है जो कि गूंथ रहा है। हम लोग लिट्टी बनाते हैं तो अकेले नहीं खाते हैं, आप लोग जानते हैं कि पास में मामा जी रहते हैं तो उनके यहाँ भी दे देते हैं, अकेले अकेले कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। और प्लान है कि दिन भर आज लिट्टी ही खाएंगे, क्योंकि खाना दोस्तों आज बनाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए खाना नहीं बन रहा है तो यही खाएंगे। ले लिए हैं जीरा मंगरेला, तो आटा में डाल लेते हैं और अभी हल्का नमक डाल लेते हैं, जीरा फिर नमक डाल देंगे और इसे सान देंगे, जिस तरह से रोटी पकाने के लिए आटा को गूंथते हैं ना उसी तरह से। और स्वेटर पहन लो चिकू, पहन लो, धूप निकल गया ना इसीलिए स्वेटर नहीं पहन रही है। और चिकू ये स्वेटर है जो कि देखिए दोस्तों हमारे यहाँ आज धूप बहुत ही अच्छा किए हुए सूर्य भगवान, ये देखिए सूर्य भगवान की किरण बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम भी छिलोगे? हम छिलवो। तो दोस्तों अभी जल्दी जल्दी है जो कि आटा है जो कि गूंथ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गए हैं और हम लोग को भी खाना भी है। तो जल्दी जल्दी बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे तब ना खाएंगे। चलिए अभी गूंथते हैं। अभी मेरी फैमिली आप लोग देख सकते हैं आटा है जो कि गुड़िया जी गूंथ दिए हैं इस तरह से, और इधर लगे हुए हैं अभी लहसुन छीलेंगे, सत्तू उफाड़ करके भुरकुंडी बनाएंगे, सत्तू का भुरकुंडी, लिट्टी का भुरकुंडी, लिट्टी बनाने के लिए भुरकुंडी है जो कि अब बनाएंगे। तो ये रहा सत्तू, ये सत्तू दुकान से ही खरीद करके लाए हैं, नहीं तो हम। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी है जो कि भुरकुंडी भी बनाते हैं। तो देखिए मार्केट का सत्तू इस तरह का रहता है और अच्छा लगता है, चना का रहता है अच्छा, और इससे ना लिट्टी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों आप लोग देखिए हम सत्तू में डालने के लिए सारा सामग्री जो कि काट रहे हैं, और मैं इधर चिकू के पापा जी इधर गोलकी यानी काली मिर्च को ये अथी बेलना और चकला पर है जो कि मेहनत कर रहे हैं। इसमें कहाँ रखें, इसमें डाल दें, रखें इधर, रखें साइड में। तो लिट्टी के भुरकुंडी में डालने के लिए हम यहाँ पे सारा सामग्री जो कि काट लिए हैं, यहाँ पे अदरक जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए हैं, यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च और लहसुन और नमक और यहाँ काली मिर्च। तो इसमें और भी चीज़ लोग डालते हैं, बहुत सारे लोग प्याज नहीं डालेंगे, आदि भी नहीं डालते हैं, तो हम लोगों को मतलब जैसे अच्छा लगता है उसी तरह से हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए अभी प्याज को डाल देते हैं, सारे चीज़ को डाल करके फिर मिक्स करके भुरकुंडी को तैयार करेंगे। और तेल भी डाल देते हैं इसमें, सरसों तेल के बिना भुरकुंडी है जो कि नहीं बनता है, सरसों तेल से ही भुरकुंडी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता है।
A few minutes later. So, दोस्तों भुरकुंडी है जो कि मैं तैयार कर ली हूँ और आप लोग देख लीजिए भुरकुंडी है जो कि किस तरह का बना है। हम लोग इसे भुरकुंडी ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए इसे अभी ढक कर रख देते हैं और अभी आती है बारी आग जलाने की। तो चलिए अभी फटाफट से आग जलाते हैं। और कौन कौन लोग दोस्तों बिहार से हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यूपी में भी फेमस है लिट्टी चोखा, है ना। तो यूपी बिहार झारखंड में ज़्यादातर मोस्टली लोग ज़्यादा खाते हैं लिट्टी चोखा। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। भुरकुंडी आप लोगों ने देख लिए किस तरह से बनाए जाते हैं और उसके बाद देखिए चिपरी कंटा क्या पथिया क्या क्या बोला जाता है कहीं कहीं पर। हम लोग गोईठा बोलते हैं, तो गोईठा को इस तरह से सरियाएँगे, उसके बाद आग जलाएँगे। क्या क्या बोलो, गेंदा चोटी गुभले है लड़की जैसा हा? तो ये देखिए इस तरह से गुड़िया जी सरिया दे रहे हैं गोईठा को। तो दोस्तों गोईठा को बढ़िया तरीके से सरिया लिए हैं। आप लोग भी सरियाएगा इसी तरह से, तब अच्छे से जलेंगे अगर बनाना चाहेंगे तो। और उसके बाद अब आग जलाते हैं, उसके बाद आप लोगों से दोस्तों मिलते हैं। A few minutes later. So, दोस्तों आग है जो कि गुड़िया जी जला दिए हैं और ये पूरी तरह से आग जलने में थोड़ा टाइम लगेंगे, धुआं धुआं करके जलेगा। जब दोस्तों पूरी तरह से जल जाएगा गोईठा तो उसके बाद आग बन जाता है पूरा, है ना, धधकने लगता है। उस पर लिट्टी को दोस्तों सेकेंगे। तो चलिए बढ़िया तरीके से दोस्तों गोईठा को जलने देते हैं, उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं। जलना है जो कि वहाँ पे स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और हम ना इधर जलने से लिट्टी लिट्टी भरते हैं, नहीं तो पूरा आग जल जाएंगे और पता चलेगा कि लिट्टी बना ही नहीं। तो ये गोल गोल इस तरह से और छोटा छोटा ना, हाँ थोड़ा छोटा कर दीजिए, बड़ा बड़ा सीजने में दिक्कत होता है। और इसे दोस्तों मैं जला रहा हूँ क्योंकि जलाने में भी मतलब एक तरह से समझिए कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो नहीं जलेगा बढ़िया से, है ना गुड़िया जी। एक बार नहीं जला था, फर्स्ट टाइम हम लोग बना रहे थे लिट्टी, तो फिर अच्छे से हम लोगों ने जलाया। देखिए इस तरह से जल रहा है, चारों तरफ से दोस्तों जल जाएगा गोईठा। करीब करीब आग है जो कि जल ही गए हैं और हम लोग को ना जल्दी जल्दी जो कि लिट्टी बनाना पड़ेगा, नहीं तो आग है जो कि भूत जाएगा। लिट्टिया बनेगा तब ना, ऐसी लिट्टी खोज रहे हो आए। चलिए देखते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी कौन जो कि लिट्टी बनाते हैं ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। इस तरह से मूंद करके ऐसे करके चारों तरफ से दोस्तों मिक्स कर देंगे ये, फिर ऐसे थोड़ा सा हल्का काट देंगे, काट करके गोल गोल कर देंगे। लिट्टिया बनेगा था ना, कच्चे खाओगे हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके बॉल्स को बनाते हैं, लिट्टी वाले बॉल्स को। लिट्टिया देना देने गे लिट्टिया गे, बनने दो ना जी, इतना खाओगे। गुड़िया जी एकदम गोल गोल बना रहे हैं दोस्तों हमसे, थोड़ा सा ये देखिए रुखर टाइप के बन रहा है। दोस्तों इतने सारे लिट्टी का बॉल्स जो कि बना दिए हैं और अभी ना जो कि लिट्टी को डालते हैं यहाँ पे सीजने के लिए, पकने के लिए। तो इस तरह से डालेंगे और इसे दोस्तों क्लीन हम लोग कैसे करेंगे वो आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। भाई आग भी बुझ जाएगा अगर समय पे नहीं डालेंगे तो, ना गुड़िया जी। बहुत सारे लिट्टी को दोस्तों सिझाना है, इधर साइड में भी रखते हैं इधर भी रखते हैं और ये धीरे धीरे पकना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे दोस्तों हौंक दे रहे हैं, नहीं बूतेगा ना, जो धुआं दे रहा है वो धुआं देना बंद हो जाए। और इस तरह से पलटेंगे, देखिए ये देखिए दोस्तों जलता भी है भाई, आपको बढ़िया से खाना है तो हाथ भी जलाना पड़ेगा। सो दोस्तों आप लोग देखिए इस तरह से लिट्टी को जो कि सिझाते हैं, तो यहाँ पर देखिए एकाद लिट्टी लिट्टी, हाँ लिट्टी बन रहा है डुगो लिट्टी।
बिहार दोस्तों बोल रहा है कौची बनाई तुम पापा, लिट्टी बना रहे, लिट्टी खाओगे? जल गया भाई साहब। दो दोस्तों लिट्टी है जो कि सीज गए हैं, इसे निकाल करके साइड में रखते हैं। और इसमें से दोस्तों डस्ट कैसे निकालेंगे वो भी दोस्तों आप लोग को दिखाऊंगा। मैं पूरा दोस्तों क्लीन कर दूंगा, जो जो पक गया उसे निकाल दे रहे हैं। ऐसे दोस्तों पता चल जाता है कि कौन सा पका है कौन सा नहीं। जलता है भाई हाथ, हाथ दोस्तों बहुत जलता है लिट्टी पकाने में, खाने में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत का फल कहते हैं ना मीठा होता है। अच्छे से बना रहे हैं तो अच्छे से खाएंगे भी। चलिए जल रहा है गुड़िया जी, ये भी सीजा है, ये सीज गया, ये तो अभी डलाया है, ये भी दोस्तों सीज गया है। A few minutes later. हम लोग पूरी तरह से लिट्टी जो कि बना लिए हैं, ये देखिए इतने सारे लिट्टी बनाए हैं भाई साहब, हाथ जला जला करके बनाए हैं। और साथ में ही इनका फूल गया हाथ। और इधर देखिए भंटा भी पका दिए हैं और टमाटर भी और आलू भी। अब दोस्तों चोखा जो कि हम लोग बनाएंगे, लिट्टी तो बन गया, चोखा कैसे बनाते हैं वो आप लोग को दोस्तों अब दिखाएंगे। और आप लोग दोस्तों देखेंगे कि इस लिट्टी में ना डस्ट थोड़ा दिखेंगे आप लोगों को, तो हम लोग साफ करेंगे। तो वो साफ कैसे करेंगे आप लोग इस वीडियो में बने रहें। ये गमछा एक ठो फिंचा हुआ गमछा है ना, उससे साफ करेंगे खाली आ। चलो बढ़िया है। तो दोस्तों चोखा कैसे बनाते हैं वो आप लोग देखिए। तो भंटा को पका दिए हैं, इसे छिलका को उतारेंगे इस तरह से, और टमाटर सबको पका दिए बढ़िया तरीके से, इसे धो देते हैं ताकि जितने भी ये काला काला हो कचरा हो सब निकल जाए। दोस्तों भंटा में तो जितने भी काला काला थे ना उसे हम निकाल दिए, और अभी रखते हैं साथ में और देख लेते हैं कि सारा उड़ा हुआ नहीं ना है। ऐसे तो देख कर पकाए हैं, नहीं सारा हुआ नहीं है भंटा। इसी तरीके से आलू को भी साफ कर लेते हैं। सो इधर आप लोग देखिए दोस्तों, अब तैयार होंगे स्वादिष्ट चोखा। तो चोखा के लिए देखिए इसमें क्या क्या डाले हैं गुड़िया जी बताइए। पहले तो है भंटा, हाँ, उसके बाद आलू, आलू उसके बाद टमाटर, टमाटर उसके बाद प्याज है जो कि काट रहे हैं, उसके बाद डालेंगे हरा मिर्च, उसके बाद सरसों तेल और नमक और धनिया पत्ता। और देखिएगा दोस्तों एकदम टेस्टी लगेगा देखने में चोखा, और खाने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा दोस्तों करना पड़ता है, आप लोग को पता है। दो से तीन घंटा आराम से लग गया, आराम से लग गया भाई बनाने में, बहुत ज़्यादा दोस्तों मेहनत लगा बनाने में। हाँ अब दोस्तों देखिए सब यहाँ पर काट दिए हैं, मस्त चटपटा और नमकीन और क्या बोलेंगे, खट्टा मीठा तीखा सब इसी में एकदम मिक्स है। और टमाटर खट्टा ही है ना, तो खट्टा ही लेंगे, आलू मीठा होता है मीठा हो गया, और नमकीन अलग ही स्वाद है इसका, चोखा का स्वाद ही अलग होता है। और घर पे बनाइए तो उसका तो बात ही अलग होता है भाई, चोखा अगर घर पे बनाएंगे और खाने के समय है जो कि नजदीक आ रहे हैं। और मुंह में धीरे धीरे पानी भी आ रहे हैं गुड़िया जी का, सही में हमें भी दोस्तों पानी आ रहा है, मुँह में पानी आ रहा है। हम कब से बोल रहे हैं गुड़िया जी कि लिट्टी चोखा बनाइए, गुड़िया जी लिट्टी चोखा बनाइए, क्योंकि मेहनत लगता है लेकिन खाने में जो मज़ा आता है ना दोस्तों वो नेक्स्ट लेवल वाली आती है लिट्टी चोखा। और कौन कौन लोग खाएं, मेरा भी तो जल ही गया है, ये वाला जला है यहाँ पे, लिट्टिया जब निकाल रहे थे ना तो जल गया था। तो चलिए अभी अच्छे से चोखा को मथते हैं और उसके बाद दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे। हाँ मैश कर लेते हैं, ऐसे अच्छी से भी मैश कर सकते हैं, ग्लास से भी अच्छे से कूद सकते हैं, लेकिन हाथ से अच्छा से हो जाता है। जितना हो सके साफ सुथरा रखते हैं गुरु जी अपने हाथों को। तो चलिए अच्छे से चोखा बना लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं कि लिट्टी को कैसे साफ करेंगे, इसमें जो डस्ट है उसे कैसे साफ करेंगे।
जो कि बना लिए हैं स्वादिष्ट चोखा। चोखा मत बोलिए। और इसमें से लिट्टी में से अब डस्ट निकालेंगे, जो धूल होता है धूल टाइप के वो, और काला काला है ये भी निकल जाएगा। तो निकालने के लिए अगर करना रहेगा आपको तो सूती का गमछा ले लीजिएगा इस तरह का, या सूती का कपड़ा रहेगा तो, और उसमें सारे जितने भी लिट्टी है उसे डाल दीजिएगा, ठीक है, जितना को करना चाहते हैं। और उसके बाद ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। और ये देखिए बिहारी स्टाइल में साफ हो गया दोस्तों, क्लीन हो गया लिट्टी, और भी देखिए। और इसमें से जितने भी काला काला है ये देखिए निकल गया, ये सब हो। उसको रखिए थाली में और फिर से एक बार, हाँ थाली में रख करके फिर से एक बार करेंगे, जितने भी कचरा है निकला है उसे वापस गमछी में से फेंक देंगे जमीन पर। जमीन पर ही ना फेंकेंगे, जमीन पर इधर साइड में फेंक देंगे, इसे झाड़ देंगे, फिर दोबारा ऐसे करेंगे बिछाएंगे, फिर इसी में रखेंगे फिर से एक बार। सो अभी दोस्तों आप लोग देखिए इसमें ये सब में से डस्ट जो कि करीब करीब निकल ही गए हैं, ये देखिए एकदम पूरा दोस्तों क्लीन हो गया लिट्टी नगरी जी। और देखने में कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से आप लोग निकालिएगा, तो सबसे बड़ा लिट्टी बना दिए गुड़िया जी लास्ट में। चलिए तो हमारा दोस्तों लिट्टी चोखा पूरी तरह से रेडी हो गया, अब बस खाना है प्लेट में लगा करके। जिन जिन को खाना है दोस्तों आप लोग खा लीजिए, लिट्टी इधर है देख सकते हैं और चोखा उधर है, तो आप लोग खा लीजिए दोस्तों। और लिट्टी चोखा पसंद है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हम लोग अब जाएंगे फ्रेश होएंगे और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, लिट्टी चोखा ही आज हम लोग खाना खाएंगे, खाना में लिट्टी चोखा ही है समझिए था। तो चलिए मेरी फैमिली आज के वीडियो ना हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाई मेहनत बहुत ज़्यादा लगा है लिट्टी चोखा बनाने में, अगर आपको भी लिट्टी चोखा बनाने ना तो मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए मेरी फैमिली आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो सभी को अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें ताकि भगवान आपको और ज़्यादा खुशियाँ बांटने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।